आज शुरुआत करते हैं जय श्री राम बोलने से, क्योंकि क्योंकि जो हमारी दीदी हैं बंगाल की, अब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही उम्र में बड़ी हो गई, मैं दीदी क्यों कहूँ उनको, काफ़ी एज वाइज तो आंटी दादी कहने के लायक हैं, लेकिन क्योंकि इस नाम से ही वो ज़्यादा जानी जाती हैं, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है दीदी बोल के, तो ठीक है दीदी बोलते हैं। दीदी को बहुत समस्या है जब उनके राज्य में चलता फिरता हिंदू जय श्री राम का नारा लगा दे तो वो गाड़ी से उतरती हैं। अब वीडियो सबने देख ली होगी, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी से उतरती हैं, साला क्रिमिनल बोलती हैं, उन पे कार्रवाई करने की बातें करती हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अब मुझे एक बात दीदी, उनका कोई अधिकारी, कोई कोई भी मुझे बता दे, अपना धर्म प्रैक्टिस करने का या फिर जय श्री राम बोलने का, स्पेसिफिक होके और बोलूँ तो, इस बात की कानून में क्या कार्रवाई है? अगर आपको लग रहा हो, क्योंकि आप इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो कि आपको लगता है कि जय श्री राम बोलने से, क्योंकि वो कोई समाज में हानि तो पहुंचा नहीं रहा वो आदमी, या वो ग्रुप कोई आतंकी ग्रुप तो है नहीं, वो बम ब्लास्ट तो करने वाले नहीं हैं, वो जय श्री राम बोल के वो ऐसी नारेबाजी तो कर नहीं रहे हैं जैसी जेएनयू में हुई थी। तो जब जेएनयू में इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोल के देश टुकड़े के नारे लगाए जा रहे थे, तब तो इनका एक बयान नहीं आया, तब तो आपके लिए वो बच्चे होंगे, भटके हुए लोग होंगे, लेकिन जय श्री राम बोल के जब लोग शांति से चल रहे हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम है, आप गाड़ी रुकवा देती हो। मतलब एक सीएम का गाड़ी रोक के आम जनता को ऐसी ऐसी बातों पे नसीहत देना बिल्कुल सूट नहीं करता, लेकिन आपके सिंप्लिसिटी के लिए लोग पहले बहुत खुश होते थे कि बहुत सिंप्लिसिटी इनकी बहुत अच्छी है, कभी भी किसी भी मिल लेती हैं, और मतलब आपका पॉजिटिव नेचर था। अब कभी भी गाड़ी रोक लेंगी और लोगों को डांटने लग जाएंगी कि क्यों जय श्री राम बोल रहे हो, फिर जनता भी बहुत अड़ियल हो जाती कई बार कि आपको जहाँ देखेगी वहाँ जय श्री राम बोलेगी, तो भाई उसके बाद फ्रीडम, आपका भी फ्रीडम। मेरा दो लोगों से ये सवाल है, बंगाल की जनता से सवाल है एक, और एक ममता बनर्जी से सवाल है, फिर मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। पहला सवाल ममता बनर्जी से ये है मेरा, कि जिस देश की पॉपुलेशन 82% हिंदू हो, जिस देश की हिस्ट्री यानी संस्कृति और रिलीजन सब कुछ मतलब बेस्ड हो जो देश हिंदुइज़म पे, आप उस देश के नागरिक को जय श्री राम बोलने से रोक रही हो, ऐसा क्यों, और ये कब तक करोगी, और ये कितना सफल होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अब 3-4-5-6 सवाल हो गए छोटे छोटे करके, लेकिन सवाल एक ही है कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये करके आपको क्या मिल रहा है। दूसरी चीज जनता से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो आप ममता बनर्जी के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं करते, वो कैसे आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं, ये मुझे कोई बता दे, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी आपके खिलाफ इस बात के लिए कार्रवाई कर सकती हैं कि आपने जय श्री राम बोला और आप बस बोल के खड़े थे रोड चल रहे थे, कोई बम तो दगाने नहीं जा रहे थे ना भाई, ये नारा लिए जा रहे हैं और बम ब्लास्ट, ऐसा तो नहीं था कुछ कि आप खतरनाक थे सिर्फ नारा लगा रहे थे। तो बस ममता बनर्जी से ये रिक्वेस्ट है कि ये करना बंद कर दें, जनता से ये रिक्वेस्ट है कि ये करना बंद कभी ना करें, वरना अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो, क्योंकि बंगाल में तो रोहिंग्या की एंट्री इतनी आम हो गई है कि वहाँ नारे भी ऐसे लगाए जाते हैं कि रोहिंग्या हमारे भाई हैं, आ रहे हैं तुम वापस जाओ, तो ये सब बहुत प्लानिंग से किया जाता है, पॉलिटिक्स होती है नए वोट बैंक को बसाने की, क्योंकि हिंदू तो भाई भाजपा की तरफ जा रहा है, समझदार हो गया है तो कोई नया चाहिए ना, अब तो हम डेवलपमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें वोट बैंक तो चाहिए ना। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कोई सवाल सुझाव या फिर कोई बात अगर मैं समझ में आई हो ना समझ में आई हो किसी भी बात के लिए अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।